हेलो भाई, मेरा नाम आदित्य। अभी तक आप लोगों ने जितना भी हैरियर का वीडियो देखा है उसमें आपको ज़्यादातर टॉप मॉडल या फिर इसका जो वो वाला है रेड डार्क एडिशन, वही ज़्यादातर दिखाया जा रहा है इंटरनेट में। मगर इसका नीचे वाला वेरिएंट का आज के डेट में ज़्यादा वीडियो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ टाटा हैरियर का XT प्लस है। ये प्राइस का बात करोगे सबसे पहले भाई इसका कलर देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये ब्लू कलर है। और अगर हम लोग इसका प्राइस का बात करें तो 18,70,000 रुपये एक्सो प्राइस है और 22,53,000 रुपये जाते जाते ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार में। सारा कुछ का बात डिटेल में करेंगे, क्या क्या इसमें आपको फीचर मिल रहा है इस वाले वेरिएंट में खास करके। सबसे पहले भाई कलर जो है ना थोड़ा सा गंदा है भाई, उसके लिए माफ़ करना, मगर यहाँ पे जो फील है ना भाई इस कलर का बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसमें एक चीज़ का मुझे प्रॉब्लम लगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कि वो प्रॉब्लम क्या है। इसमें एक चीज़ है ना जो आप ऊपर वाला वेरिएंट मिलता है और सेफ्टी से रिलेटेड ही है, वो चीज़ यहाँ पे मिलना चाहिए था, वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा। सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट से हेडलाइट वगैरह चेक कर लेते हैं कि हेडलाइट कैसा मिलता है। तो DRL यहाँ पे अपने को मिल जाता है दोनों साइड में, और ये आपको इंडिकेटर का भी काम करता है। यहाँ जब चेक करोगे इसका बल्ब तो ये कैसा मिलता है, यहाँ पे अपने को मिल जाता है एक प्रोजेक्टर, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर और यहाँ पे अपने को फॉग लैंप। फ्रंट सेंसर वगैरह तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश है, पूरा ग्रिल है और यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। ऊपर वाले वेरियंट सब में यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह भी मिलेगा, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। चलते हैं क्या चीज़ में, इस टायर प्रोफाइल चेक करते हैं इसका। तो टायर प्रोफाइल कितना है अपने को पास, ये वाला है सिंपल वाला अलॉय व्हील है, इसमें आपको 235/65 यहाँ पे 17 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। ऊपर वाले वेरिएंट में 18 इंच का मिलता है और ये वाला काफ़ी चौड़ा लगता है भाई टायर। आगे में डिस्क ब्रेक अपने को मिल जा रहा है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अपने को इंडिकेटर मिल जाता है साइड मिरर में ही, और ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश से पूरा मिलता है। इसमें टाटा कोई भी गाड़ी लोगे टॉप मॉडल भी तो उसमें आपको ब्लैक कलर का ही ORVM मिलता है। उसके बाद यहाँ चेक करोगे तो अपने पास रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और इस तरह का यहाँ पे क्रोम का फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे अपना वही चीज़ है, 50 लीटर का यहाँ पे डीजल टैंक कैपेसिटी मिलता है। पीछे से बात करोगे लुक का तो भाई क्या ही जहर लगता है, ये पूरा आपको ऑलवेज ऑन मोड में रहता है। यहाँ पे ब्रेक लाइट अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा और यहाँ पे अपने को इसका रिवर्स गियर लैंप मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डीफॉगर और अपने पास यहाँ पे वाइपर, कैमरा वहाँ मिल जाएगा, हैरियर का लोगो मिलता है। और हम लोग इसका बूट का भी बात करेंगे, कितना लीटर का बूट मिलता है। यहाँ से आप इसका बूट जो है सो खोल सकते हो, कहाँ से खुलेगा, यहाँ से आप इसका बूट खोल सकते हो। कितना यहाँ चेक करो, कुछ इस तरह का इसमें बूट स्पेस मिलता है। मैं यहाँ पे लिख के बताया था आपको इतना लीटर का यहाँ बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे अपने को मिल जाता है, अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। और इसका जो स्पेयर व्हील है ना वो आपको नीचे साइड मिलता है, वहाँ पे आपको उसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ से इसको करते हैं लॉक, अपने पास यहाँ पे भी अच्छा खासा कवरिंग वगैरह मिलता है जो कि बहुत अच्छा बात है भाई। यहाँ से चलते हैं, अब वहाँ पे साक फिन एंटीना वगैरह मिल जाता है। सबसे बड़ा बात क्या है, सनरूफ वगैरह भी इसमें आपको मिल जाता है भाई। यहाँ से हम लोग इसका आउटडोर का सारा कुछ बात हो गया। क्रोम का पट्टी आपको मिलता है इसमें यहाँ से वहाँ तक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से चलते हैं इसके अंदर, और अंदर चलने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसका, सबसे पहले भाई डोर देखो। तो डोर इसका भाई ट्रक से कम नहीं है, चारों आपको मिल जाता है यहाँ पावर विंडो, चारों ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ मिलता है। हल्का यहाँ डार्क क्रोम में अपना ये मिल जाता है, ये अपने को मिल जाता है, हल्का सॉफ्ट टच है। और यहाँ पे अपना फैब्रिक है, ठीक है, ये लेदर नहीं है। दो बोतल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर नहीं है इसमें, स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर इसमें आपको वहाँ मिल जाता है। उसके बाद सीट कैसा है, तो सीट अपना पूरा यहाँ फैब्रिक मिलता है। और उसके बाद एक चीज़ और क्या है, मैनुअल आपको सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ से चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, और अंदर चलने के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि नया जो 2023 वाला है उसमें क्या एक चीज़ का आपको अंतर मिलता है। यहाँ सबसे पहले तो इसका यहाँ पे ये चेक कर लो, अब इसको चेंज कर दिया गया, पहले ऐसा नहीं आता था, अब यहाँ पे आपको इस तरह का मिल जाएगा इसका क्लस्टर। क्लस्टर में क्या क्या आपको लेफ्ट साइड एनालॉग मिलता है, लेफ्ट साइड में अपने RPM मीटर है, राइट साइड में अपने पास क्या है अपने को स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में अपने को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है, यहाँ से आप उसको भाई यहाँ तो जगह ही नहीं बन रहा, यहाँ से आप कर सकते हो इसको चेंज। क्या क्या है अपने पास, यहाँ पे नीचे ये सब मिल जाता है, एवरेज दिखा रहा है, एवरेज टू डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपको ये ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ मिल जा रहा है आपको, चेक करो, क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है यहाँ पे अपने पास। इन्फोटेनमेंट कंट्रोल है, क्योंकि भाई ओरिजिनल जो डिस्प्ले आ रहा 2023 में वो आपको यहाँ मिल जाता है। स्टीयरिंग का क्या सीन है अपने पास, तो स्टीयरिंग अपने पास टिल्ट है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता यहाँ पे, तो टिल्ट स्टीयरिंग तो मिल ही जा रहा है। उसके बाद डिस्प्ले का तो कहना ही नहीं, भाई मैंने इसको हज़ारों वीडियो बना रखा है अभी तक, सफारी का हो या फिर हैरियर का हो, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये वाला डिस्प्ले। यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है गाड़ी, मगर ये झूठ है भाई, इससे ज़्यादा अभी गर्म है गाड़ी। और इस गर्मी में भाई आपके लिए, आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो यार, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। तो यहाँ से हो गया ये सारा कुछ, उसके बाद ये अपना पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इको मोड, यहाँ पे स्पोर्ट मोड और एक सिटी मोड में तो गाड़ी रहता ही है। हैंड ब्रेक देखो भाई, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स है। इंजन का बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने को मिल जाता है आर्मरेस्ट में थोड़ा सा स्पेस, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है यहाँ भाई, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, यहाँ पे आपको USB केबल और एक टाइप सी पोर्ट।
कप होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद क्या क्या मिलता है, ऑटोमेटिक एसी अपने पास, और यहाँ पे अपना वुड फिनिश है। ये चीज आप चेक करो, पहले भी हैरियर में यही आता था, यहाँ पे वुड फिनिश। नॉर्मल हैरियर अगर आप लेते हो तो कुछ इसी तरह का मिलता था आपको, वहाँ पे आपको वही मिल जाता है। सनरूफ आप यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ से आप देखो यहाँ से आप इसका जो इस बटन से आप सिर्फ इसका पर्दा खोल सकते हो, और सिर्फ एक टच से आपको यहाँ पे ये आने लगेगा, और एक बटन से आप इसको रोक भी सकते हो आधा पे। इस तरह से आप काम कर सकते हो, ये सारा कुछ मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सन वाइजर है, और इस साइड भी अपने को मिल जाता है। इसमें आईना आपको नहीं मिलता है दोनों में से किसी में भी, मैनुअल अपने पास IRVM है। लगभग सारा कुछ हो गया, मैंने आपको बता दिया अपने पास। इंजन का बात करेंगे थोड़ी देर में। अब सीट जो है अपना मैनुअली है, तो ये अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेने के बाद अपने पास अच्छा खासा यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके पैसेंजर साइड डोर में, कैसा स्पेस मिलता है उस चीज़ को आप लोगों को पता ही है भाई कैसा स्पेस मिलता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाई बाई फोन तो यार ऐसा गर्म हो गया ना, अच्छा खासा स्पेस है भाई यहाँ पे अपने पास, ठीक है। यहाँ पे अपने को एसी वेंट्स नहीं मिलता है, एसी वेंट्स अपने को वहाँ मिलेगा दोनों साइड यहाँ पे, जो कि आपको सीधे चेहरा पे हवा देगा। यहाँ पे अपने को ठीक ठाक मिल जाता है, यहाँ पे दो टाइप्स USB केबल मिल जाता है, स्पीकर वगैरह यहाँ मिल जाता है, फ़ोन होल्डर यहाँ मिल जाता है, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दोनों साइड LED में मिलता है। पीछे वाला जो सीट है इसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आगे वाला में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये बहुत अच्छा बात हो गया। यहाँ तक बूट मैंने आपको दिखाई दिया, तो इस तरह का आपको मिल जाता है भाई ये गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा भाई टैंक है। एक चीज़ का प्रॉब्लम क्या है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, इसमें टॉप मॉडल अगर लेते हो तो वहाँ पे अपने को आगे के साथ साथ पीछे में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, मगर यहाँ पे अपने को पीछे में डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। यही चीज़ का मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया। इतना बड़ा गाड़ी है, इसमें आपको ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें चारों टाइम डिस्क ब्रेक होना चाहिए इतना बड़ा गाड़ी के लिए, खास करके क्रेटा में आजकल आ रहा है यार, क्रेटा से तो बड़ा लेवल का ही गाड़ी है ना ये, तो इसीलिए ये चीज़ को थोड़ा कंपनी को सोचना चाहिए भाई। ऐसे भी गाड़ी बहुत महंगा हो गया, उसके बाद तो और महंगा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 22.5 लाख पड़ रहा है भाई इसका XT वेरिएंट है। तो ये हो गया वीडियो, इधर मेरा वीडियो, मैंने आपको वीडियो में सारा कुछ लगभग बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।